पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि रिएक्ट हुक्स कैसे यूज करते हैं, तो अभी हम उसके आगे थोड़ा पढ़ते हैं। अभी हुक्स को हम वापस से जो उसमें चेंजेस किए थे उसको अंडू करते हैं, और हम पहले जो चीज कर रहे थे उस पर वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी ये वापस से अपने क्लास वाले फॉर्म में आ चुका है। तो अभी हमें करना क्या है कि जो हम यहाँ पे ये क्लिक फंक्शन जो अपना है, हम इसे स्टूडेंट डॉट जे एस में कॉल करना चाह रहे हैं। मतलब कोई ये स्टूडेंट डॉट जे एस में क्या हो रहा था, ये एक पैरा था, तो ये पैरा को हम इधर इसके कंपोनेंट बनाए हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि किसी कंपोनेंट पे अगर क्लिक हो तो फिर अपने आप ये बटन वाला फंक्शन जो है, ये चीज स्टेट का रेंडर, ये कॉल हो जाए, स्टेट अपडेट हो जाए किसी कंपोनेंट पे क्लिक करने पे। तो समझते हैं कि इसे करने में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और ये हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो हमारा ये जो कंपोनेंट, इसका हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको हम नेम का, फिर ये सेमेस्टर इस तरह से बना सकते हैं। इसको भी और अभी इसको हम कर ही देते हैं चेंज का। ये हो गया। अभी हमारा ये जो था बटन, तो इसमें ये ऑन क्लिक फंक्शन है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके और ये सेकंड वाला जो है इसमें ऐड कर देते हैं। ये तो इस कंपोनेंट में हमने ये ऑन क्लिक को भी ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये जो हम इसमें ये पैरामीटर्स पास कर रहे थे, तो ये प्रॉप बन के इधर स्टूडेंट डॉट जे एस में आ रहे थे प्रॉप के फॉर्म में। अभी हमने यहाँ पे ये फंक्शन भी पास कर दिया, तो देखते हैं इससे क्या चेंजेस हुए हैं, समझते हैं। तो एक तो ये ऑन क्लिक नहीं, इसे हमें कुछ और नेम देना होगा, जिससे हम क्लिक ही दे देते हैं अभी। और फिर इधर आएंगे उसके बाद पी ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्लिक, तो इज इक्वल टू ड्रॉप स्टार्ट क्लिक। ओके, सो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया अब इस पैराग्राफ में ऑन क्लिक। तो इससे अब हम सेव करने के बाद हम जब होस्ट किए तो रिफ्रेश किए, बटन क्लिक करने पे तो चेंज हो ही रहा है, बट उसके अलावा अगर हम सेकंड पैराग्राफ पे भी क्लिक करें तो यू कैन सी वही सेम चेंजेस इंप्लीमेंट हो रहा है। ओके, बट अभी जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो हमने ऐसे हार्ड कोड करके यहाँ नेम डाले हैं, तो हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि हम नेम इधर पास करें और वो इधर आए। तो जैसे हम यहाँ पे हम कुछ इस तरह से टाइप नेम ऐसे आर्गुमेंट पास कर दे रहे हैं, और यहाँ पे ये नेम नहीं रहेगा। अभी हमें ये पास करना है टाइप नेम को, मतलब तो ये तो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह कोई भी वैल्यू पास करनी है, तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे नेम डॉट हम बाइंड फंक्शन यूज करेंगे, बाइंड। और बाइंड में क्या, पहले तो हम देंगे दिस और दिस, उसके बाद दिस हम इसलिए देंगे क्योंकि ये दिखाने के लिए कि इस क्लास के इस फंक्शन को यूज करना है। दिस उसी के लिए यूज होता है, पूरे जावास्क्रिप्ट में वही मतलब होता है। तो और यहाँ पे हम देंगे कि क्या नेम दिखाना है, तो हम नेम रमेश, नहीं रमेश नहीं, कुछ और देते हैं, भावेश, काफी टिपिकल नेम्स हैं। तो लेट्स सी क्या होता है अब। नहीं, एक गलती यहाँ हम लोग कर रहे हैं
ये सिर्फ इस वाले में थोड़ी देना है, इसको हमें ये जो बाइंडिंग है ये पूरे के पूरे फंक्शन में करानी है, इसलिए यहाँ लगता है। तो हाँ, अब ये सही चलेगा, सेव कर दिया है। उसके बाद स्विच नेम, तो ये भावेश हो गया। तो ये हमने एक और तरीके से चीज करना सीखा कि कैसे पास करते हुए इस तरह से कर रहे हैं। बट अभी हम जैसे चाह रहे हैं कि वह जो चेंज हम कर रहे थे, जैसे इसको यहाँ पे भी लगा के यहाँ पे कुछ और नाम दे करके देखते हैं क्या होता है। इसको हम बब्लू बोलते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मतलब बटन पे क्लिक करें तो कुछ और कॉल हो, और यहाँ इस पैराग्राफ पे क्लिक करें तो फिर कुछ और कॉल हो। तो लेट्स सी यहाँ क्या इससे क्या होता है। ओके, एरर है। वही गलती फिर से कर रहे थे कि इस ये बाइंड फंक्शन को इस क्लिक जहाँ हमने पास किया है इस फंक्शन पे स्विच नेम के साथ जोड़ना है। तो हम जैसे इसे यहाँ जोड़ते हैं, उसके बाद हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये भविष्य हुआ। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ पे, नहीं फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा, सेकेंड पैराग्राफ पे क्लिक करने पे भविष्य हो रहा। फिर क्या गलत, नेम ही नहीं चेंज किया था। अभी चलेगा। इधर इधर रिफ्रेश कर दिए, तो यहाँ पे क्लिक किए भविष्य हुआ, सेकंड पे क्लिक करने पे बबलू हो रहा है, अभी परफेक्टली चल रहा है। तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे कि हुआ क्या, अभी एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने पहले तो ये फंक्शन जो था इसको हमने एज अ प्रॉपर्टी प्रॉप पास किया इस कंपोनेंट में, जो कि इधर आके हमें रिसीव हुआ प्रॉप में, जो कि हमने ऑन क्लिक से प्रॉप्स डॉट क्लिक पे कॉल किया इसे। और हमने फिर क्या किया, हमें ये डायनेमिक इसमें डाटा अपडेट करना था, तो फिर हमने यहाँ स्विच नेम में आर्ग्यूमेंट डाला टाइप नेम, और फिर ये स्टेट को इस आर्ग्यूमेंट इस वेरिएबल से अपडेट कर दे रहा है। तो हमने एक तो इस ऑन क्लिक बटन में बाइंड कराया, जो कि भावेश लिख करके, वो तो नॉर्मल है, पूरे उस पे चल रहा है, पूरे पेज पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। पर हम चाह रहे हैं कि ये जो डायनेमिक बाइंडिंग है इसको हम इस पूरी बाइंडिंग को भी हम पास कर सकें इसी फंक्शन की तरह, इधर स्टूडेंट डॉट जेएस इस दूसरी फाइल में। तो उसके लिए हमने यहाँ पे भी इस तरह से बाइंड कर दिया, और ये रिएक्ट की कैपेबिलिटी है कि ये मतलब इस तरह से पूरा इसे भी पास करा देगा, पूरा बाइंडेड डायनेमिक डाटा को भी। तो ये इसीलिए इधर सक्सेसफुली रन हो रहा था, जो कि हमने करके दिखाया। तो समझ में आनी चाहिए ये चीज़, सिंपल है काफ़ी, बट मतलब इम्प्लीमेंट करना सिंपल है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक बार समझ में आ जाएगा तो इम्प्लीमेंट करना भी आसान ही लगेगा। अच्छा, अभी हम इसी डायनेमिक अपडेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक इनपुट ऐड करते हैं, इनपुट जो कि टाइप हमारा टेक्स्ट, और ऑन चेंज एक रहेगा इसमें। तो ऑन चेंज से क्या होता है कि हम जो भी मतलब हमारे इस इनपुट में चेंजेस होंगे तो फिर ये इफेक्ट कर जाएगा, कि ऑन चेंज तुरंत फायर हो जाता है जैसे भी वैल्यू इन द इनपुट चेंज होता है। तो अभी करना क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो हम इधर आएंगे और यहाँ पे जो अपना टाइप नेम था इसकी जगह हम लिखेंगे इवेंट, तो ये जावास्क्रिप्ट इवेंट है, और यहाँ की वैल्यू कुछ डाल देते हैं। कुछ भी हरी डाल दिए, बट जैसे हम यहाँ की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू,
बेसिकली हर इवेंट का एक टारगेट होता है और यहाँ पे उसकी वैल्यू को हम एक्सट्रैक्ट करें। ये जावास्क्रिप्ट जेएस का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर से आपको समझना रहेगा, समझिएगा। और फिर हम या एक चीज़ करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। अभी हमारा जो पहले जो हमने लिखा था ये, हाँ, टाइप नेम वाला, इसे रखते हैं और साथ में इसे एक न्यू नेम से लाते हैं। स्विच नेम की जगह इसको चेंज नेम से लाते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये जो जैसे हमने क्लिक पास किया वैसे ही हम यहाँ हम पास करेंगे चेंज्ड, और चेंज्ड इज इक्वल टू हमारा होगा दिस डॉट चेंज्ड नेम। कूल, सो इस शीट को भी सेव करते हुए, और इधर हम यहाँ पे चेंज में तो लिखेंगे वही हमने पास कर दिया था, प्रॉप्स डॉट चेंज। कूल, सो इधर हमने पास किया था ये चेंज्ड नेम से और चेंज्ड, हाँ, तो ये यहाँ आके सेव हो गया। और फिर अब हम मतलब ये हो गया सेव करके, फिर अब रन कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया कुछ नहीं हो रहा, बट यहाँ पे भी करके देख ले कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा, बट इस वाले में हम जैसे टाइप करेंगे यू कैन सी यहाँ अपडेट हो रहा है जो हम यहाँ डाल रहे हैं। तो इसको रिफ्रेश करके देखिए तो वैसे ब्लैंक आ गया। तो हुआ क्या यहाँ बेसिकली कि हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया, चीज़ें इसमें पास की जो कि उधर जाके अपडेट कर रहा है उसे। ओके, सो ये है पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ का। तो अभी एक छोटा सा और मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं कि हम यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ ये क्लोज होगा, तो वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ड्रॉप्स डॉट नेम। कूल, तो उसके बाद रन करने पे हम देख सकते हैं कि डिफॉल्ट नेम्स पहले से लिखे आ रहे हैं, तो वैल्यू में वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट नेम यूज करने का ये रिजल्ट हुआ कि जो वैल्यू, तो ये एचटीएमएल का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इनपुट फील्ड में वैल्यू का क्या यूज होता है, तो उससे ये ऐसे ही वैल्यू ये जो डिफॉल्ट थी वो यहाँ लिख के आ गई। तो उसके बाद भी हम यहाँ पे अपना चेंज करेंगे तो चेंज होगा और बाकी सब में कुछ नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है कि बाकी सब में क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके भी पीछे का रीज़न ये है कि हमने जो यहाँ डिफाइन किया है वो इसी टारगेट को इसी सेकंड वाले में डिफाइन किया है। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं कि क्या कैसे कहाँ क्या फ्लो था इसका। तो पहले मतलब ये हमारा जो ये फंक्शन था स्विच नेम तक तो ठीक था, स्विच नेम के बाद ये हमने पहले एक फंक्शन बनाया चेंज नेम जिसमें एक इवेंट है और ये सेकेंड वाले नेम को चेंज करने के लिए ये बनाया गया है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये चेंज्ड से इस दिस डॉट चेंज नेम को पास किया स्टूडेंट्स में, और फिर स्टूडेंट्स में आने के बाद ये हमने यहाँ के चेंजेस को, ये जो प्रॉप्स डॉट चेंज्ड है ऑन चेंज फंक्शन कब चलेगा, जब भी हम इनपुट में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो फिर ये प्रॉप्स डॉट चेंज ट्रिगर हो जाएगा, इस लाइन का ये मतलब है। तो हमने इनपुट में कोई भी चेंज किया, इधर ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होने पे क्या हुआ, ये जो फंक्शन था चेंज्ड नेम ये ट्रिगर हो गया, ये कॉल हो गया, और यहाँ पे ये वो जो वैल्यू उधर पास की थी वो वैल्यू यहाँ पे आके फिल हो गई, राइट हो गई। तो ये पूरा फ्लो है, वर्क फ्लो यहाँ का ये चीज हो रहा है। थोड़ा एक दो बार देखेंगे तो शायद अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी यही है, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।